हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। सिंथ म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज मेरे फेवरेट किशोर कुमार जी का बर्थडे है। तो किशोर कुमार जी के बर्थडे में आज हम जो सीखने वाले सॉन्ग, वो सॉन्ग है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बहुत ही मस्ती भरा गीत है, इसको सुनने में मजा आ जाता है। तो आज हम इसको सीखेंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको तैयार किया हुआ है और आप इसे बहुत जल्दी बिगिनर लेवल का स्टूडेंट भी इसको सीख सकता है। तो ये जो सॉन्ग है ना दोस्तों, ये बी फ्लैट माइनर का सॉन्ग है और बी फ्लैट माइनर के सॉन्ग को हम यदि सी शार्प मेजर स्केल के फ्लूट में बजाते हैं तो भी ये बजता है। फिलहाल मेरे पास में इस वक्त सी स्केल का फ्लूट है, तो उसमें हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट। तो देखिए ये सॉन्ग है, शुरू में चार लाइन है और बाद में तीन लाइन, ये स्टांजा के तीन लाइन है। बहुत ही आसान है, मैं आपको पहले सुना देता हूं, सुनते हैं फिर उसको सीख लेते हैं। सुनिए, बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलते, देखिए इसको इसी ढंग से मस्ती के मूड में जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। इसको मतलब ऐसा नहीं, ये एक्चुअली फ्लूट का सॉन्ग नहीं है, लेकिन हम उसको फ्लूट पे बजा रहे हैं। देखिए, ग ग ध ध ध प नि मि मि प ध ध ध ध, फिर ग ग ध ध ध प नि मि मि प ध प म म, ग ग ध ध ध प नि मि मि ध सा 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 सा, गर्मी रे सा नि ध। बस इतना तो है। देखिए मेरी फिंगर फॉलो कीजिए, शुरू करते हैं। देखिए अब ग ग बजाएंगे ना, तो आप ग से मत शुरू कीजिएगा उसको, उसको क्या करते हैं रे से शुरू करते हैं। मतलब रे से ऐसा कर्ण स्वर देते हुए, ऐसा थोड़ा सा झटका देते हुए कर्ण स्वर करते हुए उसको शुरू करते हैं। देखिए है ना, ऐसे करेंगे तीन बार ध एक बार प, तो तीन बार ध का चलना थू 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 करना पड़ेगा, नहीं तो बजेगा ही नहीं वो। कैसे, इसको बोलते हैं स्टकैटो स्टाइल, ऐसे बजाइएगा, ठीक है। एक लगैटो स्टाइल होता है, एक स्टकैटो होता है, तो ये स्टकैटो है। फिर नी 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 पर ध ध ध ध, ऐसे ही बजाना इसको, ठीक है। फिर देख सेकंड लाइन, ऐसे बजेगा। फिर उसके बाद में तीसरी लाइन, सेम सेम लाइन है, थोड़ा थोड़ा लास्ट का बार चेंज है। तीसरी लाइन कैसे वही, ये मेन है इस गाने में, इसको ऐसे बजाना, उसको आप ऐसे बजाएंगे तो मजा नहीं है। थोड़ा सा डल लगेगा अपने को, एंजॉय करते हुए मस्ती के मूड में बजाना है, तो इसलिए ऐसे बजाना। आप ग ग ध ध ध को वो भी लाइन, थर्ड लाइन हो गई, फोर्थ लाइन ग रे नी रे सा नि ध ग रे नी, तो वो भी ग ऐसे है ना, ग रे नी कहां से ग बजाना, तो हमको ये रे से ग बजाएंगे, ग ग ग ऐसे करेंगे। थोड़ा आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो तो और अच्छा लगेगा, नहीं तो सिंपल बजेगा ही बजेगा। फिर उसके बाद में स्टांजा आ जाते हैं जल्दी से, ग म ध म ग ग आशिक के दिल का। देखिए ग म ध म ग ग ग ग म ध म ग ग नी ध ग नी सा सा नी ध ध, इस लाइन को दो बार बजाना है। पहले मैं आपको सुना देता हूं, ऐसे बजेगी वो, ठीक है। फिर से ग म ध, ये म ग थोड़ा सा जल्दी बजाना है। फिर सेकंड लाइन, फिर नी नी के बाद डैश है, मतलब नी को थोड़ा सा लॉन्ग लेना है ना। फिर सा सा नी ध ध, और इस लाइन को दो बार बजाना है। फिर ये धनी नी रे 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 नी ध ध प धनी सा नी ध ध, तो कैसा जगह इसको करते हैं, धनी नी रे रे रे, ये
आवाज का है, धनिशानी, धनिशानी बहुत जल्दी है, और जैसी वहां एंड होता है वैसे यहां से शुरू जाता है, फिर से कैसे ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। इस ढंग से इस क्वालिक को हम कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, मैंने आपको जो बताया था लास्ट टाइम कि हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे जी सिंथ म्यूजिका का, उसमें कीबोर्ड पियानो वायलिन फ्लूट माउथ ऑर्गन आने का है, और मैंडोलिन और वायलिन, और अभी लेटेस्ट हम लोग दो दिन के बाद में ही यूकुलेले का कोर्स उसमें डालने वाले हैं। तो यूकुलेले यदि आपको नहीं आता होगा तो आप डायरेक्ट कोर्स परचेस कीजिए और उससे बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक सीख लीजिए। यदि आप यूकुलेले सीख जाते हैं तो आपको गिटार बहुत जल्दी आ जाएगा, और यदि आपको गिटार आता है तो यूकुलेले बहुत जल्दी आ जाएगा। यदि इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको आती है तो एक महीने के अंदर आप मेरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे आप लीजिए और सीखिए और एंजॉय कीजिए, और हैप्पी बर्थडे किशोर दा, थैंक यू।